गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्यारहवीं वाले बच्चे, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा ये जो काव्य है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिनती, ये काव्य हमारा पूरा हो चुका है, जिसमें यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि चंपा जो है वो एक छोटी सी बच्ची, उसके पिता का नाम सुंदर है और उसके पिता जो है वो ग्वाल है। रोज़ चंपा जो है वो छोटी सी बच्ची अभी पढ़ी लिखी नहीं है और रोज़ वो गायों को भैंसों को चराने के लिए जाती है। जो त्रिलोचन शास्त्री जो है उनके साथ वो बातचीत करती है। त्रिलोचन शास्त्री जब भी कोई कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो चुपचाप सुनती रहती है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और ये जो छपा हुआ है उससे कौन से स्वर निकलते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी त्रिलोचन शास्त्री कुछ लिखते हैं तो वो कभी कभी पेन छिपा देती है, कभी कागज़ छिपा देती है। इस तरह से वो नटखट चंचल बच्ची परेशान करती है। यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री है वो चंपा से कहते हैं कि पढ़ना लिखना अच्छा होता है। गांधी जी ने भी पढ़ने लिखने के बारे में बहुत कुछ बताया है। संसार में रहने वाले हर एक इंसान को अक्षर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और चंपा कहती है कि नहीं, गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो वो पढ़ने लिखने की बात तो करेंगे ही नहीं। यहाँ पे त्रिलोचन शास्त्री वापस चंपा को समझाते हैं कि पढ़ने लिखने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जब तुम्हारा यहाँ पे शादी होगी और तुम बड़े शहर में अगर तुम्हारा पति काम करने के लिए जाएगा, तो तुम उसको कैसे यहाँ पे पत्र लिखोगी। तुम पढ़े लिखी होगी तो यहाँ पे तुम उसको पत्र लिखकर उसकी खैर खबर पूछ सकोगी। लेकिन यहाँ पे चंपा कहती है कि नहीं, बड़े शहरों में जाने का कोई मतलब नहीं है। कलकत्ता जैसे बड़े शहर का नाम लिया गया है, वज्र गिरना है, अर्थात उसका यहाँ पे ऐसे शहरों का मतलब भारी विपत्ति आए। चंपा के कहने का मतलब है, बड़े शहरों में गांव के लोग जाते हैं, वहाँ पे स्थायी होते हैं और बड़े शहरों की चमक दमक इंसान को अंधा बना देती है। तो बच्चों, यहाँ तक इस काव्य का भावार्थ था जो हमने काव्य खत्म किया। अब यहाँ पे अभ्यास के जो प्रश्न हैं उसको हम देख लेते हैं। उसमें पहला प्रश्न, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे। तो यहाँ पे इस काव्य में चंपा जो है छोटी सी बच्ची है और त्रिलोचन शास्त्री ने कहा कि पढ़ने लिखने से तुम्हारा यहाँ पे अच्छा होगा, तुम्हारा ब्याह होगा, तुम अपने पति को पत्र लिखोगी, तो पढ़ी लिखी होगी तो तुम पत्र लिखोगी। तो कलकत्ता जैसे बड़े शहर में अगर तुम्हारे पति की नौकरी होगी तो तुम कैसे काम करोगी। तो यहाँ पे चंपा कहती है कि नहीं, बड़े शहरों में पति के साथ पति को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाँव के लोग अगर शहर में जाते हैं तो वो उसी रंग में रंग जाते हैं। और चंपा तुरंत ही मना कर देती हैं। वो कहती है, कलकत्ता जैसे बड़े शहर के ऊपर वज्र गिरे, यानी कि भारी आपत्ति आई। दूसरा प्रश्न, चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता है कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। तो इस प्रश्न के जवाब में बच्चों हमें लिखना है कि चंपा को इसके लिए यहाँ पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि गांधी बाबा यानी गांधी जी ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं है कि पढ़ो लिखो तो जीवन संवरेगा, पढ़ाई लिखाई से फ़ायदे होते हैं, पढ़ाई लिखाई से इंसान का जीवन सुलभ बनता है, पढ़ाई लिखाई इंसान के जीवन का एक माध्यम होती है, ऐसा गांधी जी ने कभी नहीं कहा। तो यहाँ पे मास्टर जी जो बता रहे हैं उनकी बातें झूठी हैं। इसके लिए यहाँ पे चंपा ने तुरंत ही मना कर दिया कि नहीं, गांधी जी ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि पढ़ने लिखने से यहाँ पे फ़ायदे होते हैं, पढ़ने लिखने से यहाँ पे इस तरह से सब कुछ होता है। इसके लिए वो कहती है मास्टर जी त्रिलोचन शास्त्री से कि नहीं, गांधी जी ने कभी भी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं की, उन्होंने तो देश के लिए लोगों को आज़ादी दिलाने की बात कराई, उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं की है। इसके लिए चंपा तुरंत ही इनकार कर देती है। तीसरा प्रश्न, कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो यहाँ पे बच्चों, चंपा जो है वो छोटी सी बच्ची है जो अब तक पढ़ी लिखी नहीं है, ये सबसे पहली उसकी विशेषता। दूसरी यहाँ पे उसकी विशेषता कि अभी बाल सुलभ बच्ची है वो, उसमें यहाँ पे जो ज्ञान होना चाहिए वो अभी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान उसके पास नहीं है। यहाँ पे तीसरी विशेषता में ये भी आ सकता है कि चंपा अभी अक्षर का महत्व, पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं जानती। चौथे में ये आ सकता है कि पढ़ाई लिखाई से इंसान का जीवन सुलभ बनता है, पढ़ाई लिखाई से इंसान को अपना नाम लिखना आता है, पढ़ाई लिखाई से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, अभी चंपा उससे परे हैं। चंपा सिर्फ अभी बचपने में खेल रही है, इसके लिए उसको जीवन जो होता है वो कैसे जिया जाता है वो चंपा को अभी भी उसका ज्ञान नहीं है। अभी उसमें चंचलपन, नटखटपन देखने को मिलता है। चौथा प्रश्न, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो हमारे विचार से बच्चों देखा जाए तो चंपा इसके लिए ऐसा कहती है क्योंकि चंपा का ऐसा मानना है कि गांव के लोग अक्सर शहरों में जाते हैं रोज़ी रोटी कमाने, अपने आजीविका को चलाने के लिए।
लेकिन जब गांव का इंसान जो अपने मन में जो इच्छा लेकर जाता है, अपनी आजीविका चलाने की जो इच्छा उसकी होती है, वो इच्छा वो अपने मन में रखकर जाता है, जब वो पूरी होती है तो इंसान यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति भूल जाता है। अपने परिवार, अपने गांव, अपने संस्कृति सबको वो पीछे छोड़ देता है, जो चंपा को अच्छा नहीं लगता। इसके लिए चंपा कहती है कि मतलब कलकत्ता जैसे बड़े शहर में स्थायी होना, कलकत्ता जैसे बड़े शहर में रहना ये अच्छा नहीं है। गांव के इंसान गांव में ही रहे तो ये काफ़ी सुलभ समझा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1 से 4 तक के प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से 4 तक के प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कविता के आसपास में ये जो दिए गए हैं 1 से 4 प्रश्न, ये आपको नहीं लिखने हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभ्यास के प्रश्न जो हमने चर्चा की है वो प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, लेकिन यहाँ पे कविता के आसपास के ये जो प्रश्न हैं वो आपको लिखने नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये जो है ये काव्य भी खत्म हुआ और उसका अभ्यास भी। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो दुष्यंत कुमार का ये जो उनका काव्य है गज़ल, वो इस साल हमारे सिलेबस में शायद है। अब जो भी हमारे बचे हुए पाठ और लेसन है उसको हम यहाँ पे धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।